कोरोना महामारी का प्रभाव प्रदेश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। समाज के हर आयु वर्ग को कोरोना ने अपनी चपेट में लिया है। राजधानी शिमला में दिन प्रतिदिन इसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कमला नेहरू अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को संक्रमण का खतरा अधिक रहता है, ऐसे में महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर सुभाष का कहना है कि कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं को घूमने के लिए पार्क में जाना सुरक्षित नहीं है। इस समय गर्भवती महिलाएं बालकनियां घर की छत पर ही घूम सकती हैं। इस समय बहुत से अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि रूटीन चेकअप के लिए गर्भवती महिलाओं को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ही जाना चाहिए। अगर संभव हो तो अपनी गाड़ी का ही प्रयोग करें। जांच के लिए डॉक्टर से मिलने से पहले समय ले लें। अपनी और गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए गर्भवती महिलाओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष ने बताया कि गर्भवती महिलाओं में बच्चों व बुजुर्गों की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कोरोना के लक्षण नजर आने पर महिलाएं इन्हें नजरअंदाज ना करें और अस्पताल आकर टेस्ट करवा लें। ऐसे में महिला को धैर्य रखने के साथ सकारात्मक रहने की सलाह दी जाती है। तनाव से मुक्त रखने के लिए विशेष काउंसलिंग भी की जाती है। गर्भवती महिलाओं को सामान्य तौर पर खान पान का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। कोरोना के दौर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए घर पर बना संतुलित आहार ही लेना चाहिए। नियमित तौर पर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, तभी इस महामारी से बच सकते हैं। डॉक्टर सुभाष ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को हाई प्रोटीन डाइट जरूरी है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूट्रॉन प्रचुर मात्रा में हो। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष ने कहा कि सप्लीमेंट के तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी 3 लेने की सलाह देते हैं। मौसमी फलों का जूस, ताजी सब्जियां व पौष्टिक दालों को रूटीन के भोजन में शामिल करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं समय पर भोजन करने की आदत डालें। गर्भवती महिलाएं अपने डॉक्टर से डाइट प्लान भी ले सकती हैं। हाँ, वैसे तो हर एक इंसान को ही, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे वो यंग हो, सभी को प्रोटेक्शंस और प्रिकॉशंस जो गाइडलाइंस है उसके मुताबिक सभी को प्रेस करना चाहिए। बट जैसे आपने बताया कि वो ठीक बात है कि जो ज़्यादा बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या ऐसे जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, अंडरलाइंग कोई कंडीशंस है, बीमारी ऑलरेडी है उनको कोई, उनको और ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उनको जो भी एज पर गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू की है उनके मुताबिक उनको पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे पास आती हैं, हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा है और जहाँ वो रहते हैं, रूटीन चेकअप जब तक ज़रूरी ना हो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, और जब भी जाएं वहाँ पूरी प्रोटेक्शन और प्रिकॉशंस के साथ मास्क पहन के और अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, और हो सके तो अपनी गाड़ी में ही जाए अगर ड्राइव करके जाना पड़ता है, अगर तो पैदल चलते हैं तो ज़्यादा बेटर है, अगर ज़्यादा दूर है तो अपनी गाड़ी में अगर हो सकता है तो उसमें जाए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और हैंड सैनिटाइजर या साथ रखे, या फिर जहाँ भी पानी और साबुन मिलता है जितना फ्रिक्वेंटली हो सके अपने हाथ प्रॉपरली साबुन से और पानी से साफ करते रहें। और ऐसे जो लोग हैं जिनको लगता है कि आजकल क्योंकि कोल्ड भी काफ़ी हो रहा है, जुकाम जिसको इस सीज़न ऐसा है कि इसमें कोल्ड की भी काफ़ी केसेज आते हैं, तो जिसको भी ऐसा लगता है कि कोल्ड की शिकायत है, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि किसको कोविड है किसको कोल्ड है, जिसको भी ऐसी कोई शिकायत है, खांसी है, जुकाम है, बुखार आ रहा है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें, चाहे वो फैमिली में क्यों ना हो, कि उसको एक प्रॉपर यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेके चले कि क्या पता ही कोविड ही ना हो, तो उस ढंग से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। डाइट इसमें जैसे गर्भवती महिलाओं को हम बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट ज़्यादा ज़रूरी है, और अदरवाइज भी इस कोविड के काल में भी ऐसी डाइट जिसमें सारी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह हो, और वो देते हैं। सप्लीमेंट्स भी हम एडवाइस करते हैं, कैल्शियम और विटामिन D3 भी एडवाइस करते हैं, मल्टी विटामिन्स भी एडवाइस करते हैं, और विटामिन सी भी एडवाइस करते हैं, वो भी लेते रहें, और साथ साथ में गर्म पानी का सेवन करते हैं, या जैसे कोई गर्म चीज़ें हैं, काढ़ा वगैरह है वो भी ले सकते हैं। PLTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।